नमस्कार दोस्तों, अब हम आपके लिए लाए हैं अपडेट सीरियल गुम है किसी के प्यार में से। क्या अपने ही बच्चे की पुण्यतिथि करेगा विराट? विराट ने वीनू को लेकर सही से बोला झूठ। अब कैसे करेगा जिंदा बच्चे की पुण्यतिथि? गुम है किसी के प्यार है शो में दिखाया जा रहा है कि विराट सही और पाखी के बीच पिस रहा है। इस बीच वह सही का ध्यान वीनू से हटाने के लिए झूठ हिंट देगा कि वह इस दुनिया में नहीं, उसे खोजना बेकार है। गुम है किसी के प्यार में सीरियल में अब तक आपने देखा कि पाखी और सही के बीच विराट बुरी तरह फंस चुका है। वह दोनों को हर्ट नहीं करना चाहता, वहीं अपने खोए हुए बेटे के जिंदा होने की खुशी भी नहीं मना रहा। सही वीनू को खोज लेने की उम्मीद में भटक रही है। विराट ना चाहते हुए भी उसकी ना कोशिशें नाकामयाब कर रहा है। इस बीच पत्रलेखा के मन में फिर से इनसिक्योरिटी आने लगी है। अब वह सही विराट के सामने एक ऐसी डिमांड रख देगी कि उन सबके पैरों के नीचे से जमीन निकल जाएगी। सही ने बोला झूठ। शो में दिखाया जा रहा है कि विराट सही और पत्रलेखा के बीच पिस रहा है। वहीं चौहान फैमिली शिवानी बुआ के मां बनने की खुशखबरी भी आ चुकी है। सही अनाथालय में पकड़े जाने के बाद विराट को अपने मन की बात बताती है कि उसे लग रहा है कि उसका वीनू जिंदा है और वह उसे खोज लेगी। इस सिलसिले में वह फिर से विराट से मिलेगी। विराट सही को बोलता है कि उसने खोजा था, लेकिन जिसे वह वीनू समझ रहा था वह वीनू नहीं निकला। विराट सही को इनडायरेक्टली बोलता है कि अब वीनू को खोजने का फायदा नहीं। विराट को होगा बेहद पछतावा। सही विनायक को न खोज पाने के फ्रस्ट्रेशन में विराट को गले लगाकर रोएगी। साथ ही बोलेगी, उसने उसे घर छोड़ने से क्यों नहीं रोका। इस पर विराट के मन में भी बात सामने आ जाएगी। वह भी पछताएगा कि काश उसने सही को उस वक्त रोक लिया होता तो आज वे सभी लोग परिवार के साथ रह रहे होंगे। पाखी को हो जाएगी गलतफहमी। इसी बीच पत्रलेखा अपने रूटीन चेकअप के लिए निकलेगी। वह विराट और सही को गले लगते हुए देख लेगी। साथ ही विराट के मुंह से सुनेगी कि काश वह सही, विनू और सभी एक परिवार की तरह रह पाते। पाखी को आधी बात सुनकर गलतफहमी हो जाएगी। प्रीकैप शो के प्रीकैप में दिखाया जाएगा कि सही विराट के सामने कुछ ऐसा कहेगी कि उसको तगड़ा झटका लगेगा। सही उससे बोलेगी कि वह हर साल वीनू की पुण्यतिथि अकेले करती है। क्या इस साल वीनू की पुण्यतिथि में विराट उसके साथ पूजा में बैठेगा? यह सुनकर विराट के हाथ से तो ग्लास ही छूट जाता है। क्या सोचते हैं आप, इस सीरियल में आगे वीनू को लेकर क्या होगा? क्या सही खोज पाएगी अपने बेटे को या विराट इस झूठ को हमेशा हमेशा के लिए अपने अंदर समा सकेगा? आप हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।